हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे हम लोग फेसबुक एड्स के लिए ऑडियंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से आप बायर पर्सोना बना सकते हैं और उस बायर पर्सोना के हिसाब से आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और ये सारे इंटरेस्ट आपको फेसबुक में मिलने वाले हैं, तो ये इंटरेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप अपने एड्स को स्केल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको गाइड्स भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे गाइड्स, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे चैट जीपीटी पे, जहाँ पे हम लोग बायर पर्सोना बनाएंगे फॉर फेसबुक एड्स। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास चैट जीपीटी 3.0, हमने पेड वर्जन इसका नहीं लिया हुआ है, फ्री वर्जन में ही आप बहुत कुछ देख सकते हैं यहाँ पे और इसका यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी रही बात स्ट्रेटेजी की, उसके लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज बना रखे हैं, तो आप मेरे वो वीडियोज जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, काफ़ी कुछ हिडन टिप्स बताए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जाते हो तो फेसबुक एड्स के ऊपर आपको 350 वीडियोस मिल जाएंगे, जिसको आप देख सकते हैं, अपनी स्टडी बना सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलर हो तो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैंने फ्री में पूरा एक कोर्स बना रखा है डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप जाइए, वो वीडियोस जो देखिए और अपना अर्निंग करिए। चलिए चलते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे। यहाँ पे चैट जीपीटी 3.5 हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है आई एम सेलिंग, सपोज करो आप कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट फॉर, अगर मैन के लिए तो मैन कर सकते हो, वुमेन के लिए तो वुमेन कर सकते हो, ठीक है, फॉर ऑल जेंडर एंड देयर प्राइस इज 700 ईच, प्लीज प्रोवाइड मी बायर पर्सोना फॉर फेसबुक एड्स, एंटर। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है ये, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफी कुछ आपको इन डेप्थ नॉलेज दे देगा। इन डेप्थ नॉलेज इन द सेंस, आपको ये नहीं, अब यहाँ पे चैट जीपीटी देखो, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ये चीज़ कही भी हुई है कि चैट जीपीटी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके उसके आपको इसके ऊपर जो है ब्लाइंड ट्रस्ट करना है। ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल किसी भी चीज़ पे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जाओ, थोड़ा सा इसको पढ़ो, एनालाइज करो क्या चीज़ है, किससे रिलेटेड है और क्या चीज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हो नेम, ठीक है, यहाँ पे एज इसको ले सकते हैं, फीमेल्स के लिए टारगेट कर सकते हैं, इसमें हम लोग सिंगल्स को टारगेट कर सकते हैं अगर हेल्थ केयर प्रोडक्ट है तो, अर्बन और सब अर्बन एरिया को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इन इंडिया भी कर सकते थे, इन इंडिया की स्पेसिफिक कर देते हैं। चलो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, एड्स इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया के हिसाब से क्या हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। ये देख रहे हैं एज मेल, और यहाँ पे 8 लाख से इसका मंथली इनकम हो, यहाँ पे जो मेनली जो सिटीज़ है मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, ऐसे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका जो है वैल्यूज़ के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं आप, लाइफ स्टाइल के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट बेसिस पे, कंसर्न बेसिस पे, गोल्स मोटिवेशनल्स, ठीक है, पेन पॉइंट्स के बेसिस पे आप उनको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, आप थोड़ा सा इसको रीड करो, समझो कि इससे रिलेटेड क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। मैसेजिंग एंड अप्रोच यहाँ पे करना, तो किस तरीके से करना है आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएगा, आपको एड कॉपी का एग्जांपल मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। एड कॉपी एक बार पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखो राज वगैरह दिया हुआ है, ये आपको नहीं लेना, आप एड कॉपी का थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ और चेंजेस करते हैं। बायर पर्सोना फॉर फेसबुक एड्स, प्लीज़ प्रोवाइड मी इंटरेस्ट बेस्ड बायर पर्सोना, ठीक है। आप देखते हैं किस हिसाब से ये हमें जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। सेम ही दिया है इसने, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी देख सकते हो आप, ठीक है। एक्टिविटी लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप कर सकते हो, रेगुलरली प्रैक्टिकल जो है योगा वगैरह करते होंगे, फिटनेस पे इनका ध्यान होगा, तो इस तरीके से आपको थोड़ा समझना है क्या लोग हैं, कैसे लोग इसमें टारगेट किए जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने रैंडमली टॉपिक लिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि मैं हेल्थ केयर पर ऊपर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, तो आप आराम से बैठिए, आपका प्रोडक्ट जिसके ऊपर है उस प्रोडक्ट के ऊपर आप थोड़ा रिसर्च करिए और यहाँ पे पुट अप करिए, आपको एक बायर पर्सोना मिल जाएगा। इस बायर पर्सोना के हिसाब से आप जो है टारगेटिंग कर सकते हैं और उस टारगेटिंग में रिजल्ट ला सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो डाउट बिल्कुल अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।